कैसे हैं आप लोग। पहले हम बात करेंगे बादशाह के बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। पहले आपको पता ही होगा बहुत ज्यादा मोटे थे। समय रायना उसी फोटो के पोस्ट करता है लेके ब्रदर दिस इज ए सो इंस्पायरिंग। नेक्स्ट अपडेट है एक यंग ईरानियन लड़की के बारे में। ईरान में आपको पता ही होगा वहाँ पर स्ट्रिक्ट ड्रेस हिजाब है, तो यहाँ यंग वुमेन क्या किया, जो ड्रेस पहन के आप देख सकते हो उसके लिए यूनिवर्सिटी के सामने प्रोटेस्ट किया। सबका फ्रीडम है, कोई रूल नहीं होगा। कुछ लोग बोल रहा है ये वुमेन मेंटली अनवेल्थ है, और कुछ लोग बोल रहा है नहीं यह मुस्लिम देश है जो ड्रेस के स्ट्रिक्ट है, फिर उसका फ्रीडम ड्रेस के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है। चलिए नेक्स्ट अपडेट है सौरभ जोशी के बारे में। सौरभ जोशी की एक फैन ने अपने बॉडी पर सौरभ जोशी का टैटू बनाया, इसके ऊपर तेजी दीप के क्या रिएक्शन दिया अब देखिए। अगर आप और मेरे सामने एक रील आई जिसके अंदर मेरे शहर इंदौर का एक बच्चा अपनी छाती के ऊपर टैटू बनवाता है सौरभ जोशी का, काफी समय से फॉलो कर रखा है और एक एक वीडियो देखी और सारे व्लॉग्स देखे जिसके कारण भाई को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और जब से ही भाई का सपना है सौरभ जोशी से मिलने का, इसलिए भाई ने सोचा है कि उनका एक पोर्ट्रेट टैटू करवाया और उनसे मिलने जाएंगे जब उनको पोर्ट्रेट टैटू दिखाएंगे। अब निप्पल के ऊपर सौरभ जोशी भाई तो बड़ा होगा तेरी बीवी तेरे साथ, क्या देखेगी तेरी छाती पर सौरभ जोशी। आगे जाके भाई तो एलजीबीटी कम्युनिटी ज्वाइन कर लेता है, लोग सौरभ जोशी को दबाएंगे यार। मजे की बात है कि इंदौर से उत्तराखंड जाके सौरभ को टैटू दिखा भी देते। चलिए नेक्स्ट अपडेट है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज के बारे में। भाई न्यूजीलैंड ने फिर से इंडिया को हरा दिया, इसके मतलब क्लीन स्वीप कर दिया, 3-0 से हरा दिया। न्यूजीलैंड ने इंडिया पर आया और होम ग्राउंड पर न्यूजीलैंड इंडिया को बुरी तरह हरा दिया। थागेश भी मैच देख रहे थे, उन्होंने बोल लगा था व्हाइट वॉइस एंड 2-1। आपको पता ही होगा इंडिया वाटाइज हुआ है। ऑल्सो फ्लाइंग बेस ने भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट करा 3-0, यकीन नहीं हो रहा है। चलिए नेक्स्ट अपडेट है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर अंचल का। एक 8 साल का बच्चा बम के ऊपर एक कांच का ग्लास रख देता है, जब वो बम फटते हैं फिर ग्लास फट ग्लास के एक टुकड़ा गाले में लग जाते हैं, उसी वजह से उस बच्चे का डेथ हो जाता है। सावधान आप लोग बच्चे को थोड़ा ख्याल से रख। चलिए नेक्स्ट अपडेट है राजपाल यादव के बारे में। पिछले कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था राजपाल यादव के लिए, वीडियो बनाया दिवाली में बम मत फटाओ, उसके बाद लोगों ने काफी ज्यादा उसको हेट दिया। लोग दिवाली के समय क्यों आते हैं तो नहीं दिखता है, राजपाल यादव बा वीडियो हटा दिया। सो बाद में एक जर्नलिस्ट का वीडियो वायरल जा रहा है पर राजपाल यादव के एक जर्नलिस्ट को एंग्री स्नेचिंग करता है, वीडियो आप लोग भी देखिए। फिल्म कौन सी है और कौन सी फिल्म अभी आ चुकी है? हर 1.5 महीने में एक फिल्म देखने मिलेगी। अच्छा भैया, अभी हाल ही में दीपावली से पहले एक आपका बयान आया था। चलिए नेक्स्ट अपडेट है शाहरुख खान के बारे में। शाहरुख खान का आपको पता ही होगा 2 बेटा और 1 बेटी है। रिसेंटली शाहरुख खान को पूछा गया कि तीनों बच्चों में झगड़ा हुआ तो किसको सपोर्ट करेंगे। शाहरुख खान ने बोला ना भी नहीं चाहिए वरना प्रॉपर्टी को बंटवारा में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, बट आई थिंक मैं सुहाना की साइड लूंगा, लड़के ठीक है आई लाइक देम बट उनका ना वाल वाल होते है बॉडी पे, फिर कहते हैं लड़की बहुत स्ट्रांग सुंदर होते है, तो फिर कुछ ऐसा झगड़ा हुआ तो मैं सुहाना को सपोर्ट करूंगा, ऐसे ही बोला। चलिए नेक्स्ट अपडेट है पुनीत सुपरस्टार के बारे में। क्या पुनीत सुपरस्टार वीडियो बनाना बंद कर दिया है? क्योंकि आपको पता ही होगा हर घंटे में पुनीत का वीडियो आता ही है, क्योंकि ऐसा कुछ छोड़ रहा है, इसके ऊपर एक रील बनाया आप लोग भी देखिए। तो मेरे दोस्तों आज से जो है मैंने हंसी मजाक करना बंद कर दिया है, अब मैं हंसी मजाक नहीं करूंगा क्योंकि मेरी भी उम्र हो गई है यार, आज से मैं अपनी जिंदगी को और अपनी लाइफ को सीरियसली लूंगा, चलता हूँ भाई मेरी आज के बाद कोई वीडियो नहीं। तो ऐसे कुछ नहीं है, इस रील के बाद 50 रील अपलोड कर चुके हैं, कोई क्विट एग्जिट नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट है पूर्व जा के बारे में। रिसेंटली एक वीडियो बनाया था मेकिंग ए भोजपुरी फिल्म, वो काफी ज्यादा अच्छे रिस्पॉन्स मिली, फिर लोगों ने बोला इसका पार्ट 2 कब आएगी, फिर बोला पार्ट 2 आएगी बाद में, एक बहुत ज्यादा बिग प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, इसके ऊपर पूर्व जा क्या बोला आप देखिए। सो मच जो लास्ट वीडियो पे रिस्पॉन्स मिला है भाई, मजा ही आ गया, बट इसका जो पार्ट 2 है वो मैं बनाऊंगा लेकिन अभी नहीं, जो मैंने कहा था एक बड़ी वीडियो पे मुझे काम करना है, तो नेक्स्ट अब कुछ बड़ा बैंगर लेके आएंगे, ठीक है 2 एपिसोड का, तो अब उस पे हम लोग काम चालू कर रहे हैं कल परसों से। बाकी फिलहाल इस वीडियो को और मचाते रहो फैलाते रहो भाई, बहुत मजा आ रहा है भाई रिस्पांस देख के, लव यू गाइस। और रिटायर्ड आर्मी मैन ने बोला मेरे को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया है। चलिए नेक्स्ट अपडेट है एक रिटायर्ड आर्मी मैन के बारे में। यह वीडियो काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, ऑल्सो सीएम योगी आदित्यनाथ को भी वीडियो में बोला, क्या बोला आप वीडियो में देखिए। चलिए नेक्स्ट अपडेट है इंडिया की रेलवे मिनिस्टर के बारे में। इनका एक वीडियो वायरल जा रहा है जहाँ पर आप देख सकते हो ट्रेन के अंदर बाई बाई कर रहा है। हम वहाँ से आए और चौकी के पास ये हादसा हुआ, चौकी के पास जब पहुंचा चौकी इंचार्ज हिमांशु एसआई हिमांशु मलिक, जिसे हमने बोला कि अगर चौकी के पास ये सारी चीजें हो रही है तो अगर दूर दराज में हो रहा तो आप लोग को तो पता भी नहीं चलेगा। इतना शब्द कहने के बाद
चार कांस्टेबल, दो एसआई जिसमें हिमांशु मलिक, एसआई अमित कुमार, मुझे अभिषेक कांस्टेबल अभिषेक, चारों तरफ से मुझे घेर के एक उसी पुलिस चौकी में इतना गुमराह, इतना अद्भुत कमरा बना रखा है, मुझे लेकर गए, बोले तुम्हारा बयान लेना है। और मेरे साथ वो चीजें किया है कि जो मैं सेना में 24 साल में कभी मैं बता नहीं सकता, सेना में काम किया हूँ। मुझे आज इसलिए आत्मग्लानी कि मैं 24 साल सेना के अंदर काम करके उन शब्दों को बयां करने में मुझे बहुत वो हो रहा कि मैं सेना मेडल वहाँ हासिल किया। और आज यहाँ पर वो घटना पुलिस वालों ने मेरे साथ किया है कि मैं मुझे इतना मारा है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी उस चीज़ को भूल नहीं सकता हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहूँगा कि अगर हर फौजी के साथ यही होता रहा तो क्या ये देश चलेगा, ये प्रदेश चलेगा। माननीय जी से मेरा और कोई सुझाव नहीं है, बस ये है कि जो आपकी शासन में प्रशासन है जी, मेरे पास कुछ नहीं था, लाठी पुलिस ने मारा पट्टा, पुलिस ने हमें मारा। अगर मारा होता तो मैं वो करता, मुझे उस तरह से मारा है जिस तरह एक दुश्मन को, हम भी फौजी आदमी है, टेररिस्ट को उस तरह से पनिश नहीं करते हैं जिस तरह से इन लोगों ने मुझे लेटाकर दौड़ कर मुझे मारा। वहाँ पर कोई नहीं है भाई, बट फिर भी भाई भाई कर रहा है। उसी वीडियो को शेयर करते हुए काफी ज्यादा लोग ट्रॉल कर रहा है। मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, आप देखिए। तो अभिनव अरोड़ा से रिलेटेड कमेंट काफी ज्यादा वायरल जा रहा है। कमेंट किसने किया, मुबारक हुसैन। चलिए नेक्स्ट अपडेट है अभिनव अरोड़ा के बारे में। उन्होंने लिखा, इससे ज्यादा जानकारी तो हमें है। मुबारक हुसैन जो मुस्लिम है वो बोल रहा है अभिनव अरोड़ा से ज्यादा उसको ज्यादा जानकारी है। तो कैसे लगा वीडियो कमेंट्स करके बताना, और पिछले न्यूज मिस हो गया तो सामने आ रही है, देख लो। बाय।